की तामीर होती है, तो नमरूद को पता चलता है कि जी कि ये उसने खाना काबा बना रहा है, तो उसने अपने लोगों को कहा कि तुम जल्दी जल्दी एक टावर बनाओ, उसके ऊपर खड़े होकर मैं यहां से बात कर लूंगा, इससे पहले बनाओ। सैयद इब्राहिम सलातुल्लाह ने बैतुल्ला मौजूदा वाला जो है ये तैयार किया। जब ये तैयार किया, ये बन गया, तो इन्होंने वहां पे अजान की। जब इब्राहिम सलातुल्लाह ने अजान दी तो उसको इतना मिली कि वो तो अल्लाह से बात होगी उसकी। इसने अपने बंदे वो सारे जिनको अभी थिंक टैंक और आप पता नहीं क्या क्या नाम देते हो, उस जमाने में ये बादशाहों के विजनरी लोग होते थे, बुलाया, ये क्या हुआ? उन्हें ये बात ये हुई कि इन बाप बेटों ने जो घर बनाया है अपने रब के लिए वो फ्री बनाया है, और जो ये आपने टावर बनवाया ये तो सारे किराए के लोग थे, इनको पैसे दे बनवाया है, ये लोग डिवोटेड नहीं थे लिहाजा इसलिए अल्लाह उधर चला गया, आपकी तरफ नहीं आया। अच्छा, अगर आप फिल्में भी देखते हैं तो वो एक शाहीन के ऊपर हाथ रख के बात करता है, और वो घर में उसने शेर रखे होते हैं, यही पांच खुदा इनके जो नूह अलैहिस्सलाम से इनकी चली आ रही है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ये वो टावर बनता है, किसने कहा वो टावर जो है वो उस पर कुछ भी नहीं हुआ, फिर इन्होंने ऐलान किया कोई बंदा है जो मुफ्त काम करे, तो एक मेसन आया, तीन लोग आए, उन्होंने कहा जी हम तेरे लिए मुफ्त बनाए, इन्होंने जिनको डॉलमन कहते हैं तीन पत्थर जाके उसी टावर के ऊपर रखे, उन पत्थरों के ऊपर ये खड़ा हुआ तो इसको शाहीन नजर आया, ये जिसको ईगल कहते हैं, ये शाहीन नजर आया, उसने कहा अच्छा ये यही खुदा है, उसे लोग पीछे लगाए, वो गायब हो गया, उसने उसकी छवि बना के पूजा शुरू कर दी, यही असल में बात शुरू हो गई। अब ये दो कल्चर आ गए, बुत परस्ती का, और इधर इस्माइल सलातुल्लाह जो बैतुल्ला बन गया। अब ये कल्चर लेफ्ट और राइट, उधर से वो जो दुनियावी वर्ल्डली, इधर से जो है वो इस्लामिक शुरू होता है। अब ये करते जिस वक्त ये करते हैं, अब अल्लाह बुजुर्ग को बर्तन का जो है, सैयदना इब्राहिम ने अपनी सारी सर्विस के बाद अल्लाह से दुआ की, वो आपको वाकया याद होगा जब उसको हुक्म हुआ कि आपने वापस आना है, तो इस्माइल के ऊपर बादी जिक्र हुआ, तो जब इब्राहिम वापस इनको छोड़ के जा रहे थे, तो जब वो मीना के पास पहुंचे तो शैतान ने आके उन्हें कहा कि देख भाई बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ तो ये सारा कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, तो एक खाए पिएंगे कहां से। इब्राहिम सलातुल्लाह ने दफ़ अल्लाह से दुआ की कि ये मेरे को कहा बीवी बच्चा यहाँ छोड़ दे, मैंने छोड़ दिए, तो यहाँ तो मैं सुबह से चला हूँ, अभी तक मुझे एक दरख्त नजर नहीं आया, तो ये बेचारे क्या करेंगे। अल्लाह करने का ये पत्थर उठाओ, उठाया, दूसरे पत्थर को मारा, पत्थर टूट गया, कहते देखो कुछ है, एक वो कीड़ा है, कोई चीज खा रहा है। उसने कहा देखो इस पत्थर के अंदर जाने की कोई जगह है, बोला नहीं, तो बोला अगर इस पत्थर में बंद इस कीड़े को रिजक मिल रहा है तो तेरे तो बीवी बच्चे जमीन के ऊपर, हम रिजक के जिम्मेदार हैं। फिर सैयदना इब्राहिम सलातुल्लाह पैगंबर थे, वो सजदे में पड़ गए कि अपने मानने वालों को दुनिया का पहला फल जो हो यहाँ पहुंचे, गोश्त हो ये हो, अल्लाह अपने सबको दूंगा। फिर इब्राहिम रोने लगे कि सबको दोगे तो तेरे मानने वाले का क्या होगा। उसे कहा मानने वाले को कितना दोगे, बोला चुली में, मैं ना मानने वाले को बोला चोरी पाल के दूंगा, तो मेरी समझ से बाहर है, मानने वाले को तो चुली में देगा और ना मानने वाले को झोली पाल के देगा, तो ये तो लोग सारे मुनकर हो जाएंगे। उसने कहा मेरे बंदे मेरे पीछे आएंगे। उसने कहा ये कैसे होगा, एंड क्या होगा? उन्होंने कहा एंड ये होगा, ये जो चुली में दूंगा इसके खजाने की कुंजियां ऊंटों पर लगी हुई आएंगी। बोला वो जिसको झोली मार के दी है, बोला उसको मेरे फरिश्ते जो जंजीरें डाल के घसीट के लाएंगे और वो बेहतर अपने उनके साथ है। इब्राहिम सलातुल्लाह सजदे में पड़ गए, क्या बारी था ना, उसको झोली मार के दिया, इसको चुली दी, तो ये क्या बनेगा हमारा। उन्होंने कहा कि बात ये है, अब बात समझ, हमारे निजाम हम चलाते हैं, वो जिसको चुली में दिया है वो घर जाएगा,
रोटियां बनाएंगी, तीन रोटियां बाद दो रोटियां बन जाएंगी। वो बीवी कहेगी रात को कल हमने एक रोटी खाई थी, आज अल्लाह ने दो दी है, एक हम पड़ोसियों को दे देते हैं। वो उठेगा जाके पड़ोसियों को दे आएगा, अब वो अल्लाह से तजारत शुरू हो जाएगी। हम तो एक के बदले में दस देते हैं, हम उसको अगले दिन दस देंगे। वो उठेगा, वो कहेगा अल्लाह ने इतना कुछ हमारे घर में फराख नहीं किया।